सरकार उत्तर प्रदेश समेत देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के साथ साथ ही अब प्रत्याशियों के नामों के चयन पर भी चर्चा शुरू हो गई है। इस कड़ी में सबसे आगे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस ने संभावित उम्मीदवारों का चयन करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस सभी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले ही कह चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी भी ऐसे में बनारस पहुंचे हैं, समीक्षा की है, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग किया है। वाकई में पूरी तस्वीर क्या है कांग्रेस की? कांग्रेस ने अब तक किन प्रत्याशियों जो संभावित हैं उनके नामों पर चर्चा की है? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासी राजनीति क्या कहती है? इन्हीं मसलों पे हम आपको आज दिखा रहे हैं हमारी ये खास खबर। तो आइए देखते हैं ये खबर। यूपी में इंडिया गठबंधन की रसाकसी के बीच प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस से भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की रेस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गरीबों के भाई विनोद श्याम धर सबसे आगे हैं। सूत्रों की माने तो पूर्वांचल की चर्चित सीटों में फूलपुर, वाराणसी, भदोही के साथ प्रयागराज की सीट है। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से खबर है कि संवाद कार्यक्रम के बाद वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल इंडिया गठबंधन और प्रत्याशियों को लेकर चर्चा करेंगे। चुनाव लड़ने के मसले पर जनता से लेकर कार्यकर्ता तक विनोद श्यामधर के घर पहुंचकर बात रख रहे हैं। चुनाव लड़ने के मसले पर क्या कुछ कहा है विनोद श्यामधर ने, सुनिए। संभावित दावेदारों की लिस्ट में भदोही से आपका नाम है, भदोही लोकसभा क्षेत्र से, क्या कहेंगे? अब मैं तो क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, तो बड़े नेता ऊपर से दिल्ली से जो कहेंगे वही सही होगा। मैं इसके बारे में क्या कहूँ कि मेरा नाम, मुझे तब तक कंफर्मेशन नहीं आया वहाँ दिल्ली से, तो कैसे मानूँ कि मेरा नाम है? आप पत्रकार हैं, शायद आप जानते हों, आप इस पर बताइए क्या है हमें। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी कर रही है और इस लिहाज से जो संभावित दावेदार हैं उनका नाम जो चयनित किया जा रहा है उसमें भदोही लोकसभा क्षेत्र से आपके नाम की चर्चा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, यह नाम दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक है, क्या कहेंगे? अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो इस बाबत क्या कहना है? मौका क्या, मैं तो आप देख रहे हैं साल भर से लगा ही हुआ हूँ, मौका मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है कांग्रेस को। बाबूजी का इतना सम्मान मिलता है कांग्रेस में, बाबूजी ने इतना काम किया है, बाबूजी के नाम पर इतना हमको हर जगह लोग इज्जत देते हैं, उसको बढ़ाना है ना, उनके कांग्रेस को बढ़ाना है, उनके नाम को बढ़ाना है। कांग्रेस को पुरानी हो गई तो कांग्रेस हमारी 150 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस इसको जिंदा करना है, इसको आगे राहुल गांधी के सपनों को साकार करना है।